इसीलिए तो परेशान हूँ। कहाँ रखा पर्स तूने बहू? मंदिर में तो था तुम्हारे हाथ में। मंदिर में? नाना जी मुझे लगता है मैं मंदिर में भूल आई, मैं देख कर आती हूँ। रुको बहू, तुम्हारा पर्स अगर मंदिर में पड़ा है तो वहीं पड़ा रहेगा, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। पहले खाना तो खा लो। खाना मुझसे कैसे खाया जाएगा नानी जी? उस पर्स में पासपोर्ट, चेकबुक, एयर टिकट और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमें वो पर्स मिलना चाहिए। मैं देख कर आती हूँ। रुको बहू। हे भगवान, रवि रोको इसे। ड्राइवर, ड्राइवर कहाँ मर गए ये? ड्राइवर, बहू बहू ड्राइवर खाना खाने गया है। लीना उसके आने के बाद फिर चली जाना। सिचुएशन के सीरियसनेस को नहीं समझते। वो पर्स अगर किसी गलत हाथ में लग गया ना तो मैं लीना रुको तो। अरे बहू बात तो सुनो, बहू बात सुनो। लीना पुजारी जी मैं अपना पर्स यहाँ भूल गई थी। मैं पर्स भूल गई बेटी? अगर यहाँ होता तो मिल जाता। देखिए उस पर्स में पैसे के अलावा पासपोर्ट और बहुत सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। घर में अच्छी तरह देखा? कहीं वहाँ तो नहीं? अब जरा अपनी झोली में देखेंगे कहीं गलती से उसमें ना चला गया हो। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा पर्स मेरी झोली में कैसे आएगा? आप जानते थे कि पर्स के लिए मैं यहाँ दोबारा आऊंगी, इसीलिए आपने कहा था ना कि देव इच्छा के अनुसार मैं यहाँ दोबारा आऊंगी। लेकिन पुजारी जी आपके जाने से पहले मैं यहाँ आ गई। चलिए मेरा पर्स निकालिए झोली से। चलिए। भगवान से डर बेटी, भगवान से डर। एक तो मेरा पर्स मारा और ऊपर से मुझे कह रहे डरने के लिए। आप क्यों नहीं भगवान से डर कर मेरा पर्स लौटा देते? Come on, give my purse. ये तुम क्या कह रही हो बहू? भला पुजारी के पास तुम्हारा पर्स कहाँ से आया? नाना जी इनकी झोली में मेरा पर्स है। ईश्वर मेरी इतनी कठोर परीक्षा तो क्यों ले रहा है? पुजारी जी सॉरी, पुजारी जी बेचारी आपे से बाहर है, अगर पर्स ही मिला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। ए भिखारी कहाँ भागे जा रहे हो तुम? तुम ही हो ना जो हमारी कार में ताक झाक कर रहे थे? तब से तुम्हारी निगाह मेरे पर्स पर थी। कहाँ है मेरा पर्स? बोलो जल्दी लौटा दो मेरा पर्स। तुम्हारा पर्स मैं क्यों लूंगा माई? क्योंकि तुम्हें देखो देखो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर पैसे की जरूरत है तो तुम पैसे रखो, लेकिन उसमें बहुत जरूरी कागजात है, वो मुझे चाहिए। वो कागजात तुम्हारे कोई काम के नहीं है, समझे? तुम्हारे पैसे मेरे किसी काम के नहीं है माई। मैं पापी तो पश्चाताप की आग में पहले ही झुलस रहा हूँ। मेरी इस हालत पे इतना बड़ा इल्जाम। देखो देखो ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मुझे मेरा पर्स चाहिए। तुम अगर सीधी तरह से मेरा पर्स नहीं लौटाते तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, समझे? नाना जी यहाँ का पुलिस स्टेशन कहाँ है? बेटी यहाँ कभी पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ी। शाब ये आपका है ना? गाड़ी का सीट के नीचे था। निर्दोष पर दोष लगाने वाले को बहुत दुख उठाना पड़ता है माई। ये शनिदेव सब देखता है माई, सब देखता है। भाई पर्स न मिलता तो भूख न लगने की बात कुछ समझ में आती है। अब तो पर्स भी मिल गया है, इस खुशी में भूख कुछ ज्यादा ही लगनी चाहिए। जितनी भूख है उतना खा लो। सचमुच मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। लगता है बहू के मन से बोझ अभी तक उतरा नहीं है। एक बात बताऊं बहू, तुमने कुछ नहीं किया, ये सब ग्रहों के चक्कर है। ग्रहों का इससे क्या लेना देना? लेना देना है, ये सब खगोलिक प्रक्रिया है जिसका सारा आधार वैज्ञानिक है। सीधी सी बात है, हर मनुष्य 9 ग्रहों के कारणों से अपने जन्म और राशि के मुताबिक प्रभावित होता है। ये सब 9 ग्रह पृथ्वी की भांति आकर्षण और विकर्षण का गुण रखते हैं। चंद्रमा को ही देख लो, पूर्णमासी की रात में चंद्रमा जब पूर्ण होता है
तो संसार के 3/4 हिस्से पर जहाँ समुद्र का जल फैला हुआ होता है उसको अपनी ओर इस शक्ति से आकर्षित करता है कि समंदर में 5 से 10 फुट की ऊंचाई की लहरें उठती हैं और सुबह होते ही समंदर का पानी शांत हो जाता है। हाँ, ये सब तो मैंने देखा है। देखा है ना, तो अब खुद ही जान लो कि जब ग्रह वायु और जल को प्रभावित कर सकते हैं तो मनुष्य को प्रभावित नहीं करते होंगे। मनुष्य भी 5 तत्वों का बना हुआ है जिसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश सब शामिल हैं। सीधा साधा वैज्ञानिक उदाहरण है। बिल्कुल है, पर मेरे पर्स का खोना, मेरा पुजारी या फिर भिखारी को दोष देना, इन सब बातों का शनि ग्रह या दूसरे ग्रहों से क्या संबंध है? बहू है, अब देखो हम जब कोई चीज हवा में उछालते हैं तो वो किसी ऊंचाई की हद तक जाकर वापस जमीन पर आ गिरती है। क्यों गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। पृथ्वी का आकर्षण केंद्र बिंदु उसे अपनी ओर खींच लाता है। अब सोच के देखो कि शनि की यही शक्ति पृथ्वी से 95 गुना अधिक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स मोर। जब हमारी कोई मानसिक तरंग या कोई विचार हवा में उछलता है तो सोच के देखो कि शनि कितनी शक्ति से उसे खींच के ऊपर ले जाता होगा, और जब वो किसी निश्चित दशा पर पहुंचकर उसकी आकर्षण शक्ति खत्म हो जाती है तो वो कितनी तेजी से वापस आता हुआ वो विचार या मानसिक तरंग उस मनुष्य को प्रभावित करता होगा। तो क्या नाना जी, जैसे उछाली हुई चीज उछलकर वापस आती है, वैसे ही सोची हुई बात या विचार वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आता है और रूप बदल कर आता है। मिसाल के तौर पर कांच या आटे का गोला अगर ऊपर हवा में उछाला जाए तो जमीन पर गिरकर उसका आकार, प्रकार, रूप सब बदल जाएंगे। इसी तरह एक अच्छा विचार ग्रहों के किरणों से प्रभावित होकर अच्छा परिणाम लेकर लौटता है और कुविचार बुरा परिणाम लेकर लौटता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जप तप के बल पर यही तो निचोड़ निकाला है कि जीवन व्यवहार के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो तो परिणाम भी अच्छा होगा। एक योगी अपने सुविचारों से नवग्रहों की मंगलकारी किरणें प्राप्त करता है, जबकि एक भोगी अपने कुविचारों से नवग्रहों की प्रचंडता प्राप्त करता है। अब जैसे कि हम अपने घर में बैठे हैं और मैंने एक स्विच दबाया तो पंखा चल गया, ये दबाया तो टीवी चल गया, तीसरा दबाया तो ट्यूबलाइट जल गई। सबका परिणाम अलग अलग है पर सबका करंट मेन स्विच में है जिसे हम भगवान कहते हैं। इसी तरह नवग्रहों के भी अलग अलग स्विच हैं। जैसे विचारों और भावनाओं के स्विच हम दबाएंगे वैसे परिणाम हासिल होंगे। क्रोध, कुंठा, अशांति, बदला, ये सब शनिदेव को जागृत करने के स्विच हैं। अगर इन पर हाथ रख लिया तो शनि ग्रह में हलचल मच जाएगी और वो अपना काम शुरू कर देंगे। मगर एक बात याद रहे कि शनि ग्रह मनुष्य को कष्ट देने के लिए नहीं है, वो उसका अहंकार तोड़कर उसे सही राह दिखाने के लिए। पर आप लोग सही राह पर कब आओगे? खाना ठंडा हो रहा है, उठो उठो। चलो भाई चलो, बहुत भूख लगी है। खाना खाकर लोगों को आराम भी तो करना है। कहो बेटा रवि, कैसा चल रहा है तुम्हारा कंप्यूटर का बिजनेस? चल कहाँ रहा है नाना जी, लड़खड़ा रहा है। मैं इस बिजनेस के रेगिस्तान में चलते चलते इतना परेशान हो गया हूँ, इतना थक गया हूँ कि। अरे नहीं बेटा नहीं, थकना नहीं, चलते रहना। चलने का नाम ही जिंदगी है। काला भी तो एक ना एक दिन जरूर तुम तक आएगी, मगर चलते रहोगे तब। लो सुनो, हमारी बहू कहती है कि लंदन में ऐसा मजेदार खाना उसने कभी खाया ही नहीं। मैं तो डर रही थी मेरे हाथ का बना खाना मेरी बहू को पसंद आएगा भी कि नहीं। सच नाना जी, ऐसा टेस्टी फूड तो मेरे डैडी के लंदन वाले होटल में भी नहीं बनता जो हिंदुस्तानी खाने के लिए बहुत मशहूर है। अच्छा, लंदन में तुम्हारे डैडी का हिंदुस्तानी होटल भी है? हिंदुस्तानी होटल से क्यों नाना जी, अब तो वहाँ पर बड़े बड़े मैजेस्टिक मंदिर भी बन गए और इन मंदिरों में सिर्फ हिंदुस्तानी लोग ही नहीं, अंग्रेज भी जाते हैं। मतलब यही हुआ ना कि वहाँ के लोग भी अब धीरे धीरे धर्म कर्म की बातों में दिलचस्पी लेने लगे हैं। सोचो क्यों आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर इस तरफ बढ़ने लगे हैं? क्योंकि अब उनकी आंखें खुलने लगी हैं और वो ये समझने लगे हैं कि इन सब चीजों के पीछे कोई शक्ति काम कर रही है
और वो शक्ति और कुछ नहीं,